उसके पास चने ले लेना, उसके बाद बता देना कि ये तो भिखारी था, ये तो ड्राइवर था, ये तो वो था, ये तो ये था। कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो राखी बोल रही थी कि रितेश बहुत अच्छे इंसान है, रितेश बहुत पैसे वाले हैं, रितेश मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बोला था ना? जी बिल्कुल। एक इसी एक सवाल है भाई, अगर उसकी इन बातों में सच्चाई है कि रितेश एक नंबर का हीरा है, रितेश ने उनके खर्चे उठाए, उनका घर चलाया, उनकी स्वर्गीय माँ के कई सारे सर्जरीज कराए और उनसे बे इंतहा मोहब्बत करता है रितेश, अगर इन बातों में सच्चाई है तो उनकी धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई को मजबूर क्यों किया उनसे शादी करने के लिए? ये अजीब बात है, शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी करना क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या शादी उनके लिए मजाक बनकर रह गया? हाँ, ना जज्बातों की कदर करती है, ना शादी की कदर करती है, बस चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, इससे क्या होगा? एक सच्चा मुसलमान ये नहीं कहता चिल्ला चिल्ला कर कि वो मुसलमान है, उसकी हरकतों से पता चलता है, उसकी इबादत से पता चलता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो। शैलिन, मुझे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, कल तो मुझे मैसेजेस आए, ये बोल रहे हैं कि रितेश और राखी ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया है, ये उनका प्लान था कि आदिल को जाओ, आदिल को पसंद करो, आदिल को लूटो, आदिल से पैसे ले लो, फिर ये हम करते ही रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे यूके का एविडेंस मिला है, ये लोग मुझे ये लिख के बोल रहे हैं, वो बहुत बार मिले हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नंबर वन बेवकूफ़ हो, जब जब तुम कर्नाटक जाते थे तब तब रितेश से वो मिलती थी, ये बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, बट मुझे बोल रहे हैं कि तुम रितेश ने भी मिलके तुम्हें फ्रेम किया है। लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि कहीं भी जो वीजा स्टैंप नहीं हुआ है। कहां का दिखाया था वीजा? वीडियो कॉल कराया रितेश ने, हर जगह वीडियो कॉल पे। कहां का वीजा स्टैंप था? लंदन की, उस टाइम में वो ग्रीस थे और दूसरी जगह पे थे, जैसा कि आपने कहा डिनाई किया आपके पूरे। और हां, और वीडियो कॉल, देखिए मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, ये सरासर झूठ है कि वो लंदन नहीं आए थे। लंदन से और ग्रीस का फासला सिर्फ 38 आवर्स का है बाई कार। क्या 38 आवर्स ट्रैवल करके आप नहीं आ सकते? ये बात आप मुझे बताइए। जब मेरी सो कॉल्ड बीवी 10 दिन तक यूके में रही है, 8 से 10 दिन तक, तो 38 आवर्स का ही सफ़र है। जो रही बात वीज़े की, अगर बिजनेस वीज़े में ऑलरेडी एक बंदा ग्रीस में है तो उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके कभी भी आ सकता है 38 आवर्स। ये गूगल कहता है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए, डू नॉट बिलीव एनीबडी। जो भी हम बात करते हैं आपसे, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ गूगल करके भी देख लेना, आपके सोर्सेज हैं, आप प्लीज़ गूगल कर लें। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीस टू यूके दैट इज़ 38 आवर्स। उसके नीचे ये भी लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस वीज़ा इन ग्रीस, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वॉन्ट। और हर 2 घंटे फ्लाइट है यूके से ग्रीस और ग्रीस से यूके। आप मुझे बताइए, आप वीज़ा दिखा के क्या कर रहे हो? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? हाँ, मैं 100% गया था। एटलीस्ट झूठ ठीक से बोल देते कि मैं इंडिया में था, मैं नहीं गया था, एटलीस्ट मुझे प्रूव करने में टाइम लगता, वो तो विटनेस दे रहे हैं मैं था। भाई अहम, देखिए अहम अहम सवाल, एक सेकेंड, अहम सवाल ये है कि रितेश की धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई से शादी कैसे करी, क्यों करी, ये अहम सवाल बनता है। क्या हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए एक और पुरुष से शादी कर ले? ये बात मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं था, और राखी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। ये सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट मेरे प्रेस में, डू यू रिमेम्बर, आपने मुझे ये सवाल किया था कि राखी तो शादीशुदा है, दुनिया जानती थी, तो आपने क्यों शादी की? कल तो रितेश और राखी एविडेंट में बोले हैं कि हमने शादी नहीं की थी। आपने सुना? कैसे बोल सकते हैं शादी नहीं हुई है? तो दुनिया को पता था वो दोनों शादीशुदा हैं। जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुला के कि वो शादीशुदा नहीं है, तो मैं तो एक सादा सीधा डॉक्यूमेंट्स हैं।